दोस्तों अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली इंसापित ट्रेन पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख ले, नहीं तो आपको यह स्टोरी समझ में नहीं आएगी। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली बुल्ली सोन के साथ सोन के नानी घर जा रहे थे, तभी अचानक इन लोगों के सामने एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आ जाता है जिसे देखकर ये तीनों बहुत डर जाते हैं। तभी ट्रेन शुरू हो जाती है। गुल्ली बुल्ली और सोन ट्रेन के अंदर उस आदमी के बारे में ही बात करते हुए जा रहे थे। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो आदमी कोई पागल या भिखारी था। तभी अचानक इन लोगों के पास वही आदमी आ जाता है जिसे देखकर ये लोग और भी डर जाते हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। ट्रेन के अंदर बुल्ली उस भूत से कहता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे पीछे पड़े हुए हो? जैसे ही बुल्ली इतना कहता है तभी वो भूत चलकर आगे आने लग जाता है। गुल्ली बुल्ली और सोन के पास रुकते ही वो भूत कहता है, मैं तुम लोगों के पीछे इसलिए पड़ा हुआ हूँ क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और मैं तुम लोगों को खाना चाहता हूँ, इसलिए तुम लोग ये समझ लो कि आज की रात तुम तीनों की आखिरी रात होगी। ये बात सुनते ही सोन गुस्से में उस भूत को एक चाटा लगा देता है। चाटा लगते ही वो भूत अजीब सी हरकत करने लग जाता है। ये सब देखकर गुल्ली कहता है, बुल्ली और सोन ये इसे क्या हो रहा है? इससे पहले कि ये हमें कुछ करे चलो हम लोग इसे उठाकर ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं क्योंकि ये कोई पागल आदमी नहीं बल्कि एक भूत है। जैसे ही गुल्ली इतना कहता है तभी वो भूत अचानक यहाँ से गायब हो जाता है। उस भूत के गायब होते ही सोन कहता है, देखा गुल्ली बुल्ली मैंने कैसे उस भूत को एक थप्पड़ मारा और वो मुझसे डरकर भाग गया। मैंने कहा था ना कि मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ लेकिन तुम लोग हमेशा मुझे डरपोक ही समझते थे। अब तुम लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कितना बहादुर हूँ। नहीं नहीं सोन तुम गलत समझ रहे हो, वो भूत मुझसे डरकर गाय तुमसे नहीं क्योंकि मैं उसे अभी ट्रेन से नीचे फेंकने वाला था। गुल्ली कहता है, अरे गुल्ली और सोन तुम दोनों चुप हो जाओ, मुझे नहीं लगता कि वो भूत तुम लोगों से डरकर भागा है। क्या तुम दोनों को ऐसा लगता है कि कोई भूत सोन के एक थप्पड़ या ट्रेन से नीचे फेंक देने वाली बात सुनकर यहाँ से डरकर भाग जाएगा? अगर वो सच में कोई भूत था तब वो सोन से अपने थप्पड़ का बदला लेने जरूर वापस आएगा, इसलिए सोन को अब थोड़ा संभल कर रहना होगा। इधर सोन कहता है, गुल्ली बुल्ली मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वो भूत सच में मुझसे बदला लेने के लिए वापस आ गया तब मेरा क्या होगा? हमें बचाने के लिए तो हमारे साथ बाबा भी नहीं है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सोन की बातें सुनते ही गुल्ली कहता है, सोन तुम चिंता मत करो, हमारे साथ बाबा नहीं है तो क्या हुआ? अगर वो भूत फिर से हमारे सामने आ गया तो हम तीनों मिलकर उसका सामना करेंगे। अरे गुल्ली और सोन वहाँ देखो, ट्रेन के दरवाजे के पास तो वही भूत खड़ा है। मुझे लगता है कि यही सही मौका है इसे ट्रेन से नीचे फेंकने का, चलो जल्दी। ये कहकर ये लोग धीरे धीरे इस भूत की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन कहीं इस भूत को पता न चल जाए कि ये लोग इसे ट्रेन से धक्का देने वाले हैं। अरे ये क्या, इस भूत ने तो इन लोगों को देख लिया। तभी गुल्ली इसे धक्का दे देता है। सोन कहता है, वाह बुल्ली वाह, मैं तो डर ही गया था लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। अब हम लोगों को उस भूत से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमें उससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल चुका है। लेकिन तुम लोगों ने देखा था गुल्ली बुल्ली, वो भूत कितने गुस्से में था, उसकी आंखें एकदम लाल थी। तभी बुल्ली कहता है, हाँ सोन मैंने भी देखा था, लेकिन चलो अब ये सब भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। वैसे भी अब हम लोग थोड़ी देर में तुम्हारे नानी घर पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग सोन के नानी घर सही सलामत पहुंच पाएंगे। गुल्ली की ये बात सुनते ही बुल्ली और सोन सामने की तरफ देखते हैं। इन लोगों ने देखा कि वो भूत तो फिर से ट्रेन के अंदर आ चुका है और ये सीधा गुल्ली बुल्ली और सोन की तरफ ही बढ़ रहा है। ये सब देखकर इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब इन लोगों को क्या करना चाहिए। तभी सोन कहता है, गुल्ली बुल्ली ये भूत तो हमारे बिल्कुल पास आ चुका है। तभी थोड़ी देर में इन लोगों की ट्रेन अगले स्टेशन पे आ जाती है। जैसे ही ये ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है तो गुल्ली बुल्ली और सोन इधर उधर स्टेशन को देखने लगते हैं। तभी सोन गुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली बुल्ली ट्रेन रुक गई, चलो भागो जल्दी ट्रेन से बाहर। ये कहकर ये लोग इस ट्रेन से बाहर भागने लग जाते हैं और इन लोगों को ट्रेन से बाहर भागता देखकर इस भूत को और भी गुस्सा आ जाता है। इधर गुल्ली बुल्ली और सोन ट्रेन से बाहर आकर एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। तभी ट्रेन शुरू हो जाती है और ये लोग ट्रेन को जाते हुए देखने लगते हैं। ट्रेन के यहाँ से जाते ही गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी सोन गुल्ली और बुल्ली से कहता है, अच्छा हुआ गुल्ली बुल्ली की वो ट्रेन जल्दी यहाँ से चली गई, नहीं तो पता नहीं आज हमारा क्या होता। तभी गुल्ली कहता है, हाँ सोन लेकिन अभी हमारे पास वो सब सोचने का टाइम नहीं है क्योंकि अभी हम लोगों को तुम्हारे नाने के गांव भी जाना है। लेकिन हम लोग वहाँ कैसे जाएंगे? मुझे तो आसपास एक भी ऑटो वाला नहीं दिख रहा है और मुझे नहीं लगता कि इतनी रात को कोई ऑटो वाला हमें तुम्हारे नानी के घर लेकर जाएगा। जैसे ही गुल्ली इतना कहता है तभी इन लोगों को एक ऑटो की आवाज़ सुनाई देती है। इस ऑटो को देखते ही सोन कहता है, चलो गुल्ली बुल्ली इस ऑटो वाले से पूछते हैं कि ये मेरे नानी के गांव जाएगा या नहीं। ये कहकर ये लोग ऑटो की तरफ दौड़ते हुए चले जाते हैं।
ऑटो वाले अंकल, हम लोगों को नानी के घर जाना है, क्या आप हम लोगों को वहाँ छोड़ देंगे? सोन की बातें सुनते ही गुल्ली सोन से कहता है, सोन तुम पागल हो क्या? ये ऑटो वाला हमें जानता थोड़ी ना है, तुम पहले इस ऑटो वाले को अपने नानी घर का एड्रेस तो बताओ, तभी तो ये हम लोगों को वहाँ लेकर जाएगा। सोन कहता है, अरे ये तो मैं भूल ही गया था अंकल, हमें रानीपुर गाँव जाना है। हाँ हाँ, मैं तुम लोगों को तुम्हारे नानी घर छोड़ दूंगा, चलो आकर बैठ जाओ ऑटो में। ये बात सुनते ही थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली और सोन ऑटो में बैठ जाते हैं। इतनी रात को गुल्ली बुल्ली और सोन को यहाँ पे एक भी ऑटो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इन लोगों को एक ऑटो मिल चुका है। ये ऑटो मिलने की खुशी में गुल्ली बुल्ली और सोन तो ये देखना ही भूल जाते हैं कि ऑटो वाला कौन है। सोन ऑटो में कहता है, गुल्ली बुल्ली मेरा सारा सामान तो ट्रेन में ही छूट गया, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि हम लोगों की जान बच गई। तभी बुल्ली कहता है, हाँ सोन, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो भूत हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ था। वैसे सोन, तुमने तो इस ऑटो वाले से पूछा ही नहीं कि ये हमें तुम्हारे नानी घर ले जाने के कितने पैसे लेंगे। बुल्ली की ये बात सुनते ही ये ऑटो वाला पीछे मुड़ता है। मैं तुम लोगों से पैसे तब लूंगा ना जब तुम लोग जिंदा बचोगे। ऑटो वाला वही भूत है, ये देखकर गुल्ली बुली और सोन की हालत खराब हो जाती है। तभी ये भूत इन लोगों को ट्रेन की पटरी की तरफ लेकर जाने लगता है। पता नहीं अब ये गुल्ली बुली और सोन के साथ क्या करने वाला है। अरे ये क्या, ये भूत तो इस ऑटो को ट्रेन की पटरी के ऊपर चलाने लग गया है, लेकिन आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? सोन गुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली बुल्ली मुझे नहीं लगता कि आज हम लोग जिंदा बचेंगे, क्योंकि सामने से तो एक ट्रेन आ रही है, देखो जरा ध्यान से, कहीं ये भूत इस ऑटो को उस ट्रेन के सामने तो नहीं ले जा रहा है। बुल्ली कहता है, सोन अगर ऐसा होने वाला है तो हम लोग इस ऑटो से कूदने के लिए तैयार रहो। अरे ये क्या, सामने से तो एक ट्रेन नहीं बल्कि एक ट्रेन का इंजन आ रहा है। ट्रेन के इंजन को पास आता देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन समय रहते ही ऑटो से नीचे कूद जाते हैं। अरे ये क्या, ट्रेन से टकराते ही ये ऑटो हवा में उड़कर सीधा जमीन पर आकर गिरी है, और तभी इस ऑटो को कुछ होने लग जाता है। तभी अचानक ये ऑटो गायब हो जाता है और इस ऑटो से उस भूत की आत्मा बाहर निकलती है और ये सीधा ऊपर की तरफ जा रही होती है। इधर गुल्ली बुल्ली और सोन को ऑटो से कूदने पर थोड़ी बहुत चोट लगी है, लेकिन फिर भी ये लोग उस भूत की आत्मा को देखने में लगे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी ये लोग देखते हैं कि अभी ये भूत की आत्मा बहुत तेजी से आसमान की तरफ जा रही है, और फिर थोड़ी देर बाद ये अचानक गायब हो जाती है। इस भूत की आत्मा गायब हो गई, ये सब देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी बुल्ली कहता है, गुल्ली और सोन, अब मैं समझा कि वो भूत हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ था। मुझे लगता है कि वो भूत जब एक आदमी था तब वो ऑटो चलाने का काम किया करता होगा, और किसी दिन अचानक उस ऑटो का ब्रेक फेल हो गया होगा और वो ऑटो सीधा ट्रेन से जाकर टकरा गया होगा, जिसमें उस आदमी की जान चली गई होगी। तब से वो भूत बनकर ट्रेन से आने जाने वाले लोगों के पीछे पड़ जाता है और उन लोगों को भी मारने की कोशिश करता है। ऐसे ही वो हर रात बहुत सारे लोगों को मार देता होगा, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि हम लोग उस भूत के हाथों मारे जाने से बच गए। सोन कहता है, हाँ बुल्ली, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन चलो अब हम लोग नानी के घर चलते हैं और ये सारी बातें नानी को बताते हैं। वैसे हमें वहाँ चलकर जाना होगा, क्योंकि अब मैं किसी ऑटो में नहीं बैठूंगा, मुझे अब ऑटो वाले से बहुत डर लगने लगा है, चलो जल्दी, नानी हमारा वेट कर रही होगी। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन ऐसे ही बातें करते हुए नानी के घर जाने लगते हैं, और इस तरह से आज गुल्ली बुल्ली और सोन की जान बच गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।